नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे भाई यूएई के बारे में, दुबई के बारे में भी। जी हाँ भाई, दुबई में बता दूं पूरा वर्ल्ड अलग है और एक दुबई का कानून अलग है। जी हाँ, हर रोज आपको 2 से 3 अपडेट, एक अपडेट नहीं है, 2 से 3 अपडेट विदेश फ्लाइट के बारे में आपको कुछ न कुछ नए देखने को मिल जाते हैं। जी हाँ, यानी यूएई पहुंचने का मतलब है अमेरिका पहुंच जाना। फिलहाल की स्थिति में भाई यही लग रहा है मुझे तो, इतने कानून बना रहे हैं, नियम बना रहे हैं, पता नहीं किधर से घुमा के कैसे कर करा के एक मजदूर आदमी, एक जो लेबर कैटेगरी का मजदूर आदमी है उसके तो मतलब महसूस ही नहीं होता कि हम दुबई पहुँच पाएंगे। इतनी मतलब कानून इस तरह से घुमा फिरा के बताए जा रहे हैं। हम आपको 10 टॉपिक पर बात करेंगे, 10 ऐसे नियम है अगर आप दुबई जाते हैं तो इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा, आपकी मजबूरी है अगर आप जाना चाहते हैं तो भाई। बाकी हर रोज नए अपडेट आते जा रहे हैं, बाकी शॉर्ट तरीके से मैं 10 अपडेट आपको बताऊंगा, इनको आपको फॉलो करना ही पड़ेगा, आपकी मजबूरी रहेगी, नहीं करोगे तो आपको प्रॉब्लम आ सकती है, आपका काम बनते बनते बिगड़ सकता है। जी हाँ, तो पूरा वीडियो देखिए भाई, अच्छा लगे तो लाइक शेयर करिए, चैनल सब्सक्राइब करके बेल आइकन ऑन कर लीजिए, फेसबुक पेज वाले पेज को फॉलो करके रख सकते हैं ताकि हर रोज आपको वीएस से रिलेटेड नई नई अपडेट मिलती रहे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। तो भाई सबसे पहले हम बात करते हैं कि अगर आप वीएस जाते हैं, जी हाँ, तो आपको पंजीकरण तो करवाना ही पड़ेगा, जिस कुछ भी छूट आपको मिल जाए नो डाउट आईसीए और वेबसाइट पर उपलब्ध है, यहाँ पे आप पंजीकरण करा सकते हैं। पंजीकरण का मतलब है कि आपकी पासपोर्ट की पूरी डिटेल उसमें जमा होनी चाहिए, पूरे आपको डिटेल मांगी, जो जो उसमें मांगा जाता है आपको भरना पड़ेगा, कोरोना की रिपोर्ट आपके पास में होनी चाहिए, जी हाँ, टीका जो सर्टिफिकेट वगैरह है वो भी आपको उसमें डालना होगा, पूरी जानकारी आपको अपलोड करनी पड़ेगी सर्टिफिकेट के सहित, जी हाँ, जो आईसीए या वेबसाइट है उस पर आपको जाके। और ये बेस्ट काम आप जहाँ से टिकट बनवा रहे हो वहीं से करवा लो भाई, बहुत सारे लोगों से नहीं हो पाता तो उनके लिए सजेशन है। सेकंड बात बता दूं कि 15 अगस्त से स्टार्ट है भाई, जिन्होंने इंडियन वैक्सीन, इंडिया जो अपने देशों के वैक्सीन लेके जा रहे हैं, दुबई वैक्सीन जिन्होंने ली नहीं ली है, वो 15 अगस्त से शुरू कर सकते हैं, ये प्रोसेस शुरू हो गया है, तो ये अच्छी बात है भाई। समझ सकते हैं 15 अगस्त से प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, उससे पहले आपके पास 1-2 दिन का टाइम पड़ा है तो आप तैयारी कर सकते हैं। आपकी यात्रा सुनिश्चित करने के लिए कि भाई मेरा काम हो गया, मैं चला जाऊंगा, मैं पहुंच जाऊंगा, उसके लिए आपको पता है दुबई सरकार ने एक वेबसाइट जारी की है, www.smartserviceica.gov.ae, स्क्रीन पे भी आप देख सकते हैं, इस पे आपको जाओगे, क्लिक करोगे, उस पे पूरा विवरण आपको भरना पड़ेगा, जो भी उसमें मांगा गया वो डिटेल आप पूरी भर दीजिए, वहाँ से आपको ग्रीन सिग्नल मिल जाएगा तो आप फिर दुबई जा सकते हैं, आपको कोई रोकने वाला नहीं है। जी आगे मैं बता दूं, अगर आप दुबई जा रहे हैं तो ये इसका मतलब ये नहीं है कि भाई आपको बोल दिया कि इंडियन वैक्सीन टीका से लेके आप दुबई जा सकते हैं, उसका मतलब ये है कि जो यूएई सरकार ने अपने सर्कुलर में जो टीके को मान्यता दी है वही टीका आप लगा के जा सकते हैं। जैसे इंडिया की बात करें तो कोविशील्ड है, कोवैक्सीन है, तो कोवैक्सीन लगा के सर्टिफिकेट आप लेके जाना चाहते हो तो नहीं जा सकते, कोविशील्ड आपको टीका लगा के ही जा सकते हैं। यानी दुबई सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त जो टीके हैं वही मान्य होंगे, और ये आप जो दुबई यूएई का प्ले स्टोर में जाओगे, अल होसन ऐप है, उसको डाउनलोड कर लीजिए आपके मोबाइल में, तो उसमें पूरे टीके वगैरह पूरी इंफॉर्मेशन दिखा दी जाएगी, तो उसमें जो जो टीके हैं वही टीके आप लगवा के जा सकते हैं, उसके बिना आप नहीं जा सकते। जी हाँ, वैक्सीन सर्टिफिकेट वैकल्पिक है, वैकल्पिक की माने आपके पास दुबई का वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो भी अच्छी बात है, इंडियन वैक्सीन सर्टिफिकेट है तो भी अच्छी बात है। इनके लिए आपको फायदा यह कि वीई में जिन लोगों को जो लाभ मिल रहे हैं वो अगर आप लेना चाहते हैं, ये वैकल्पिक है, कि आपको कौन सा चुनना है वो आपकी मर्जी है। जी अल हसन ऐप है भाई, उसको थोड़ा अपडेट वर्जन डाल दिया गया है, जैसे नए नए मोबाइल निकलते हैं ना अच्छी अच्छी क्वालिटी के, ये भी सेम अल हसन ऐप है, आप उसको डाउनलोड करोगे आपके मोबाइल में तो उसको अपडेट कर दिया गया है, उस पर ग्रीन पास स्थिति दिखा देगा, यानी आपकी जो आरटीपीसीआर टेस्ट है ना, जो रिपोर्ट आप उसमें जैसे अपलोड करोगे उसकी स्थिति वो जाँच करेगा और उसके बाद में वो ग्रीन स्थिति बता देगा, ग्रीन का मतलब आप जा सकते हैं, तो ये स्थिति आपको वहीं उसी पे अल हसन ऐप पे पता लग जाएगी, तो ये आप ज़रूर डाउनलोड करके रखें। जी हाँ, अल हसन ऐप पे देखिए 3 प्रकार की कैटेगरी बनाई गई हैं, ग्रेड बनाई गई हैं, ग्रेड ग्रे, रेड और हरा। जी हाँ, ग्रे का मतलब ये है कि भाई आपकी जो ग्रीन मतलब हरा, हरा का मतलब है कि मान्य है भाई, आपका जो भी आपने डॉक्यूमेंट डाले आपके वेरीफाई हो गए हैं उससे आप जा सकते हैं। ग्रे का मतलब होता है, ग्रे का मतलब ये समझ सकते हैं कि आपकी वैधता, यानी आपका जो जो भी डॉक्यूमेंट पीसीआर रिपोर्ट वगैरह है उसकी वैधता खत्म हो गई है,
तो आपको दोबारा बनाना पड़ सकता है, ये उसमें बताएगा। जी हाँ, रेड का मतलब होता है कि पॉजिटिव, यानी आपकी रिपोर्ट पॉजिटिव है तो आप नहीं जा सकते। ये अल हसन ऐप पे बता दिया जाएगा सब कुछ आपको। एतिहाद जो एयरवेज है भाई, एतिहाद है दुबई की जो एयरवेज है, वो पाकिस्तान, श्रीलंका, बांग्लादेश के लोगों को, सिर्फ उन्हीं लोगों को लेके जाएगी जो आबू धाबी जाना चाहते हैं। आबू धाबी उतरेंगे, उन्हीं लोगों को रिसीव करेगी। बाकी अगर आप सोचते हैं कि दुबई वाले उसमें चले जाएं तो उनको रिसीव नहीं करेगी। हाँ, ट्रांजिस्ट वीज़ा वालों को ऑप्शन दिया गया है कि वो ट्रांजिस्ट के लिए इसमें जा सकते हैं, उनको कोई रोक टोक नहीं होगी। जी हाँ, इनमें अगर बात करें तो राजनीतिक हैं, वीआईपी के नागरिक हैं, गोल्डन वीज़ा वाले हैं, वो ही लोग जा पाएंगे, बाकी लोग नहीं जा पाएंगे। जी हाँ, नौ नंबर पर मेन पॉइंट पर बात करेंगे भाई, इंडिया की जो, इंडिया में जो विदेश में जो लोग फंसे हुए हैं, दुबई के वीजा धारक हैं, जी हाँ, जैसे इंडिया में बहुत फंसे हैं, पाकिस्तान, नेपाल, बांग्लादेश, सब जगह लोग फंसे हैं, वो आबू धाबी यात्रा ही कर सकते हैं। आबू धाबी का, आबू धाबी में शनिवार को एयर इंडिया ने भी एक ट्रेवल एजेंटों ने ये बातें फैली थी, न्यूज भी आई थी कि भी जो आदमी जिस जगह का है वो वहीं उतर सकता है, दूसरी जगह वो दूसरे अमीरात में नहीं जा सकता। आपको सबने ऐसा देखा होगा, अभी देखने को सुनने को ये मिल रहा है कि कहीं का कहीं भी यात्रा कर सकता है। जी हाँ, तो इसका थोड़ा सा आप गौर कर लीजिए। दुबई, अगर आप दुबई के वीजा रखते हैं, आप आबू धाबी उतरना चाहते हैं तो आप आबू धाबी उतर सकते हैं शनिवार को। ये हालांकि ये न्यूज भी फैली थी, आप सबको पता है कि जैसे भाई दुबई का बंदा है वो दुबई उतरना है, आबू धाबी नहीं जा सकता, लेकिन अभी ये नियम निकल के आ रहा है कि आप किसी भी स्टेट में उतर के किसी भी स्टेट में जा सकते हैं। हालांकि वे सरकार भाई समय समय पे नियम बदलती रहती है, एक दिन पहले ये नियम बदला था कि भाई जैसे आप आबू धाबी के हैं तो आबू धाबी जा सकते हैं, दुबई नहीं जा सकते। मैंने भी इस मैटर पे वीडियो बनाया था, लेकिन अभी एक दो दिन के दौरान कल की डेट में ये नियम को चेंज कर दिया गया कि आप मान लीजिए आबू धाबी के हैं तो दुबई उतर सकते हैं, दुबई के हैं तो आबू धाबी या शारजा उतर सकते हैं, कहीं भी उतर सकते हैं, कोई रोक टोक इसमें नहीं बताई गई है। तो ये आप लोगों के लिए अच्छी न्यूज़ है भाई। आबू धाबी में बता दूँ, अभी पहले 10 दिन क्वारंटाइन का ऑप्शन था होम क्वारंटाइन के लिए, लेकिन अभी इसको बढ़ा के 12 दिन कर दिया गया है। तो आबू धाबी भी जो लोग जाएंगे उनके लिए थोड़ी प्रॉब्लम ये रहेगी कि उनको 10 से 12 दिन कम से कम घर पे क्वारंटाइन रहना पड़ेगा।